अगर गंगा का बाल भी बाका हुआ तो महादेव की कसम ऐसा तांडव मचाएंगे पूरे काशी को मसान बना देंगे। पिटे तो पढ़ना पड़ा तो मैथ में पास हो गए। चुटकी आप गाएंगे, बाकी मैं गा दूंगी। अरे सिंग ना, फन। प्लीज सर, आप शुरू। अच्छा, वी विल सिंग टुगेदर। वन टू थ्री। एक बम बम बोले बोले काशी। गंगा हर जगह से विलुप्त हो सकती है पर काशी से नहीं, और इस वक्त काशी हमारे साथ खुद बैठे हुए हैं। शर्मन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की कृपा से काशी इन सर्च ऑफ गंगा एक ऐसी बेहतरीन स्क्रिप्ट मनीष किशोर साहब जिन्होंने लिखी है, नीरज कुमार साहब जो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे नसीब आई। और जैसे पढ़ी हमने तुरंत टूट पड़े उस पर। अच्छी स्क्रिप्ट, और फिर कई मरतबा ऐसा होता है कि वो अच्छी स्क्रिप्ट को फिर पर्दे पे ट्रांसलेट करने में अच्छी ईमानदारी की कोशिश के बावजूद कभी कभार होता नहीं है, लेकिन इस बारी ऐसा हुआ है। अगेन भगवान की कृपा रही है, सबकी मेहनत रही है, और पिक्चर जो स्क्रिप्ट में थी उससे हमें लगता है थोड़ी ज़्यादा या बेहतर ट्रांसलेट हो पाई है स्क्रीन पर। तो हम सब बहुत खुश है उसके इसके आउटपुट से और जिस तरह से पिक्चर बनी है। और चूँकि स्क्रिप्ट इतनी लेयर्ड है, इतना डेप्थ है, तो सारे कैरेक्टर्स जो है बहुत लेयर्ड है, बहुत डेप्थ वाले कैरेक्टर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। तो एज एन एक्टर भी बड़ा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग रहा है काशी के इस किरदार को निभाने में। उसकी कुछ ट्रेट्स है, बनारसी एक्सेंट, डोम का कैरेक्टर है, डोम जो फाइनल राइट्स परफॉर्म करते हैं, तो उनकी दुनिया, डोम की दुनिया मुझे ठीक से पता नहीं थी, और ये बनारसी एक्सेंट मुझे ठीक से आती नहीं थी। तो उसके लिए मैंने बनारसी एक्सेंट के लिए एक महीने पहले तैयारी की। कुछ हमारे चीफ एडी जो बनारस से ही आते हैं, उनके आवाज़ में मैंने अपने सारे डायलॉग्स रिकॉर्ड किए और वो सुनता रहा, और साथ साथ बनारस 4-5 दिन शूटिंग के पहले भी पहुंच गया ताकि डोम की दुनिया वगैरह उनका एक उसका एक एहसास या एक एक्सपीरियंस ले लूँ, और लोकल्स को एक्चुअली वो बनारसी एक्सेंट में बात करते सुन भी लूँ। तो ये सारी थोड़ी बहुत तैयारी करने से थोड़ा फ़ायदा रहा। नहीं, और बहुत अच्छी आपने उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से आपने कैच किया है सर, और इसीलिए आप एकदम जानदार एक्टर हैं, क्योंकि आप आपकी बाकी की जितनी मूवीज़ ले लें, 3 इडियट्स हो गई, फरारी की सवारी हो गई, रंग दे बसंती हो गई। एक किस्सा है सर, मैं इसके बाद बात करूँगा, तो बात पक्की की उसके वो मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐश्वर्या जी भी हैं, तो इनसे, शर्मन जी के साथ आप बॉलीवुड में पहली बार डेब्यू कर रही हैं, शर्मन जी के साथ इतने सही और जानदार एक्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और इस मूवी में आप इनके सपोर्टिव रोल में हैं, तो इस मूवी को स्क्रिप्ट के कारण आपने चूज़ किया कि श्रवण सर के कारण? शर्मन सर के कारण ही चूज़ किया। पहले तो मुझे ये पता चला कि मैं शर्मन सर से मिलने जा रही हूँ, तो उनकी एक प्रोजेक्ट है, तो कोई ना तो कहेगा नहीं कि इतने अच्छे हैं, हाँ मतलब बनता ही नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इनके साथ मेरी डेब्यू फिल्म है और हिंदी सिनेमा में, और इनके साथ काम करके एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से ये अपने कैरेक्टर्स को निभाते हैं, तो वो बहुत मतलब सीखने को बहुत मिला इनसे, और वही एक्चुअली मुझे हेल्प किया मेरे जो कैरेक्टर है, मतलब जर्नलिस्ट में प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में, और इनके साथ इनकी बहन को ढूंढने में मदद करती हूँ। तो जिस तरह से इन्होंने मुझे अपने रोल निभाने में हेल्प किया, आई थिंक डायरेक्टर और राइटर ने भी हेल्प किया है, बट इनके सामने परफॉर्म करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये इतने बेहतरीन एक्टर हैं, तो बहुत सपोर्ट किया है इनकी वजह से। अगर मैंने थोड़ा बहुत अच्छा किया तो इनकी वजह से, मतलब जो लास्ट में आप बोलते हैं गुस्से में कि आई थिंक वो किस पार्ट का है मुझे नहीं पता, अगर कुछ भी हो जाए पूरे मसान बना देंगे पूरे काशी को। अगर गंगा का बाल भी बाका हुआ तो महादेव की कसम ऐसा तांडव मचाएंगे पूरे काशी को मसान बना देंगे। क्या बात है, मतलब ये फिल्म में आप ट्रेलर देखिए, अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो आप ट्रेलर देखिए पहले, ट्रेलर ही इतना गजब है कि आप मूवी देखना, मतलब मूवी मिस ही नहीं कर सकते आप, इतना गजब। मैथ का पेपर था, मैथ्स का पेपर था, और मैथ्स वैसे ही बहुत डराती है, तो तो क्या हुआ कि तो बात पक्की आपकी रिलीज हुई थी, तब्बू थी उसमें, और मतलब गजब हम लोगों का क्रेज़ था कि भाई नहीं, शमन जोशी जी की मूवी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, सही में मुझे मुझे आपकी एक्टिंग बहुत गजब लगती है, बहुत
तो मैं मूवी देखना था, मैंने हम तीन दोस्तों ने प्लान किया, गए यहीं एक स्पाइस मॉल है नोएडा में, वहाँ गए मूवी देख के आए। आपका सर घर वालों को पता चल गया, घर वालों ने इतना धूना, पर अच्छी बात ये रही कि उस मैथ आपका मूवी देखा जो हमने, तो घर पे पिटे तो पढ़ना पड़ा तो मैथ में पास हो गए। तो मैं यही इसी उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं आपसे सॉरी इसलिए बोलना चाहूँगा कि आपने इतनी एफर्ट की और तो बदबकी देखी, और मतलब आपका नुकसान ये हुआ कि पिक्चर इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी अच्छी कोशिश के बावजूद, तो आपका थोड़ा वक्त ज़ाहिर हो गया होगा। लेकिन काशी में ऐसा नहीं है, पसंद आई थी, शुक्र है। खैर हम अब आगे बढ़ते हैं। सर इस मूवी की बात अगर हम करें तो आपको एक अलग रोल मिला बिल्कुल, और आपने इसमें एक जान डाल दी रोल में, एक्चुअली कहें तो ऐसा अक्सर होता है हमारे देश में हमारे समाज में कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं उसको ताक पे रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को क्या मतलब ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहिए, कैसे इन लोगों को समझाना? तो अभी दूर की बात है, बड़ी सख्ती से उनके साथ पेश आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड द सिस्टम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू कम डाउन हेवीली ऑन देम सो दैट लॉ होल्ड्स द सेम एंड फॉर एवरीवन एंड दे शुड नो दैट दे आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ। सर ये एक मुद्दा चल रहा है, आपको भी पता है, ये मी टू कैंपेन वाला जो मी टू मूवमेंट चल रहा है, नए नए नाम सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितना हद तक सही है, और क्या इससे और मतलब महिलाओं को और आगे आना चाहिए और अपनी बातें खुल के रखनी चाहिए सबके सामने? जी आई थिंक इट्स वंडरफुल, मी टू मूवमेंट ने मोमेंटम गैदर किया है एंड फ्यू करेजियस लेडीज केम आउट इनिशियली, उन्होंने अपनी बात रखी, उनके ज़रिए और लेडीज़ को हिम्मत आई अपनी कहानी दुनिया के सामने ले आने की। ग्रेट, इट्स वंडरफुल। नाउ आई फील के एक तो आई एम श्योर द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वॉचिंग, द गवर्नमेंट इज़ वॉचिंग, एंड मे बी लॉजिकल कंक्लूजन वुड बी के अब कुछ पैनल बने या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने ताकि ये जो इश्यूज़ है वहाँ जाए और द लॉ ऑफ द लैंड डिसाइड्स एंड पासेस अ जजमेंट ऑन दीज केसेस, बिकॉज इट्स ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ समवन्स वन पर्सन्स वर्ड अगेंस्ट द अदर्स, द मैन हु आर ओनिंग अप टू द यू नो टू द एक्सप्लॉयटेशन दे आर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द पोजिशन एंड वट एवर एल्स हैज़ टू बी डन इज़ बींग डन विच इज़ फाइन, बट द गाइज हु आर डिनाइंग द क्लेम्स मेड बाई द लेडीज उनको आई थिंक वी शुड बी वेरी फेयर टू देम एंड नॉट जज देम एज नॉट पास अ जजमेंट ऑन देम टिल वी हैव अ सिस्टमैटिक कंक्लूजन टू द सेम थिंग। आपकी क्या राय है? अच्छी बात है कि वो सामने आ रहे हैं, और मैं बस इतना कहूँगी कि मीडिया में जाने से पहले वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएँ, वहाँ अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। हाँ, और बिल्कुल कल इस पर बहुत अच्छा एक फैसला आया, एमजे अकबर ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया जो। सर वापस फिल्म पे आते हैं, पहले आपकी बात करते हैं, थ्री इडियट्स में आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, रंग दे बसंती, और सब इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी आपकी मूवी आए, इतना समय क्यों लग जाता है सर फिल्म? मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, वो गाना है ना हिना पिक्चर का, यही जवाब है मेरा सबको। I don't really, I have an answer to that. I take my time. I like to go to work only when I am excited of doing so. And जैसे कि आप जानते हैं, in spite of the best efforts, sometimes good scripts don't fall into place and they don't translate on screen. तो अभी हम इस इंटरव्यू को अब ख़त्म करेंगे, पर मेरा वो रह गया सर, काशी है ये बोले, वो सिर्फ आप गा सकते हैं। क्या बोले बड़ा, एक मिनट आप लिरिक्स याद करने पड़े, क्या आप विराजे गंगा तट पे सिंग ना यार, आई एम वेरी बैड एट इट, आपसे सुनना चाहते हैं, यू स्टार्ट देन आई विल जॉइन यू,
नजर रखे हर संकट पे लटहारी जड़नारी हर ढग बग नारे बम बम बोले बोले काशी न न न बोले काशी।